एसएससी सीजीएल 2023। जी हाँ, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट, बहुत से लोग ये सोच कहते हैं कि एससी और एसटी में स्टेट का चल जाता है, सेंट्रल का नहीं, ये वो, तो एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई एग्जाम्स मैंने दिखाए कि सेंट्रल में कई सारी जो क्वेरी है वो आपकी आती हैं। अब ये भी बात ऐसा नहीं है कि नहीं, आप पहले कई ऐसे जब एसएससी आपका कराती थी तो उस टाइम भी स्टेट का ले लेती है, लेकिन जब डिपार्टमेंट अब आपका कराने लगा है जब से, तो कई सारे ऐसे इश्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले हैं, जिसके कारण से क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग डिले होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत हो, तो आप एससी एसटी का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। जिन लोगों ने स्टेट का बनवाया हुआ है, अगर उनके पूरे सर्टिफिकेट में आपका सेंट्रल लेवल का कहीं ना कहीं आपका कुछ भी जिक्र नहीं है, तो वो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है। क्योंकि जब आपका सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है एससी एसटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या सेंट्रल वैकेंसी, ठीक है, या एस सी एस टी फॉर सेंट्रल लिखा होता है। क्योंकि राजस्थान का भी मैंने देखा है, बिहार का भी देखा है, इवन यूपी में भी आपका फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया हुआ है, टेलगापुर में फॉर्मेट है, वहां पर भी आपका जो सेम फॉर्मेट में आपको बनवाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, इसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतो, और बाकी इसके अलावा कुछ भी अपडेट रहेगी टाइमली आपको मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन कॉल पर करना मत मत भूले। जैसा जो भी आपको क्वेरी है, इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया।